नमस्कार, मैं दिव्या धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। दरभंगा पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने बीबीसी के बनाए गए डॉक्यूमेंट्री पर न सिर्फ सवाल खड़े किए हैं, बल्कि वर्तमान में बीबीसी पर आयकर विभाग के छापेमारी पर भी खुलकर मीडिया के सामने अपनी बात रखी है। इसके अलावा बीबीसी की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए बीबीसी के साथ खड़े होने वाले कांग्रेस पार्टी को भी जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जिन लोगों ने हमारे देश पर 200 वर्षों तक शासन किया है, उसे आजादी लेने के लिए भारत तरक्की की राह पर चल पड़ा है। ऐसे में ना तो इंग्लैंड को अच्छा लगेगा और ना ही वहां के किसी ब्रॉडकास्टिंग संस्था को ठीक लगेगा। दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीतियां देश में सबसे व्यापक है। बजट आवंटन, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और नौकरी सृजन सहित कुल 21 पैमानों पर इन नीतियों को परखा गया है। फिलहाल देश के 26 राज्यों में ही ईवी नीतियां लागू हैं। क्लाइमेट ट्रेंड की अध्ययन रिपोर्ट के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, केरल और उत्तराखंड की ईवी नीतियां 21 में से सिर्फ 7 पैमानों पर ही खरी उतरती हैं। राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सुधाकर सिंह और प्रोफेसर चंद्रशेखर के जरिए नीतीश कुमार पर मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है, इसलिए इनके आपत्तिजनक बयानों के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि 3 महीने से सुधाकर सिंह की बयानबाजी जारी है, लेकिन उन्हें सिर्फ नोटिस जारी किया गया है। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए तेजस्वी यादव अधिकृत हैं, इसमें लालू प्रसाद की जरूरत नहीं है। अडानी ग्रुप की मुश्किलें खत्म होती नजर नहीं आ रही। हिंडनबर्ग के बाद फोर्ब्स ने अपनी एक रिपोर्ट में गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी पर एक बड़ा आरोप लगाया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लोन के लिए ग्रुप के प्रमोटर के हिस्सेदारी को गिरवी रखा गया है। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा चल रही थी कि जीतन राम मांझी ने अपने पुत्र के लिए मुख्यमंत्री पद की मांग कर सियासत को गर्मा दिया है। मांझी की मांग के बाद तत्काल उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह जनता तय करती है। अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस ने गौतम अडानी के मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी की चुप्पी को लेकर निशाना साधा है। उनके बयान पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने सोरोस को निशाने पर लिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जॉर्ज सोरोस के बयान पर कहा है कि विदेशी ताकतें भारत के लोकतंत्र को ध्वस्त करने में कोशिश कर रही हैं। मीडिया द्वारा जब यह सवाल किया गया कि मात्र 400 रुपए महीने पेंशन में बुजुर्ग और लाचार का गुजारा कैसे होगा, तो इस सवाल का जवाब देते हुए बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सैनी ने कहा है, बेसिक पेंशन की यह राशि कम है, महंगाई में मात्र इतनी राशि से गुजारा तो मुश्किल ही है। हम लोग पेंशन की राशि बढ़ाना भी चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से अधिक राशि नहीं मिल पाती है। पेंशन में 200 रुपए राज्य और 200 रुपए केंद्र सरकार देती है। सालाना इस मद में लगभग 5,000 करोड़ की राशि खर्च होती है। ग्राहकों की ओर से लगातार आ रही कॉल ड्रॉप और क्वालिटी को लेकर आ रही शिकायतों को लेकर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों से कहा है कि कॉल ड्रॉप और डाटा आउटेज के मामले को लेकर राज्य के लेवल का रिपोर्ट किया जाए, साथ ही इन समस्याओं को सुलझाने के तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया जाए। इससे टेलीकॉम सेवाओं को लेकर ग्राहकों के अनुभव को बेहतर किया जा सके। आज महाशिवरात्रि है और अगले दिन होली का त्यौहार है। इससे ठीक पहले बिहार पुलिस का स्पेशल ब्रांच ने एक एडवाइजरी जारी कर दी है, वो भी जाति सूचक डबल मीनिंग वाले और अश्लील गानों को लेकर। बिहार के सभी जिलों के डीएम और एसएसपी को एडवाइजरी के जरिए अलर्ट किया गया है, क्योंकि जाति सूचक डबल मीनिंग और अश्लील गानों की वजह से सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है और शांति भंग हो सकती है। अमेरिका के शीर्ष सीनेटर चक सुमर ने शुक्रवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि चीन को टक्कर देने के लिए अमेरिका और यूरोप को भारत जैसे देशों की जरूरत है। सुमर ने कहा है कि तेजी से आक्रामक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सामने लोकतांत्रिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी देशों को मिलकर काम करने की जरूरत है। वार्षिक म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में यूरोपीय लोगों और अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को सुमर ने बताया कि वह अगले सप्ताह भारत में सीनेटरों की एक शक्तिशाली द्विदलीय समूह का नेतृत्व कर रहे हैं। भारत की तटीय रेखा से सटे इलाकों की एक बड़ी आबादी मछुआरों की है, ऐसे में सी फूड सेक्टर में होने वाले कोई भी बदलाव से उनके जीवन पर काफी प्रभाव डाल सकते हैं। इसी दिशा में कतर ने एक बड़ा फैसला लिया और भारत से आयात किए जाने वाले सी फूड पर लगे प्रतिबंधों को आंशिक तौर पर हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शेयर बाजार के लिए रेगुलेटरी नियमों को मजबूत बनाने के लिए एक्सपर्ट्स की समिति पर केंद्र के सुझाव को नीलबंद लिफाफे में स्वीकार करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने कहा है कि वह इन्वेस्टर्स के हितों में पूरी तरह पारदर्शिता बनाए रखना चाहती हैं और वह सीलबंद लिफाफे में केंद्र सरकार के सुझाव को स्वीकार नहीं करेंगी। बेंच ने कहा है कि हम सीलबंद लिफाफे में आपके सुझावों को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हम पारदर्शिता बनाए रखना चाहते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक होगी। इसमें अपीलीय न्यायाधिकरणों के गठन और पान मसाला व गुटखा कारोबार में कर चोरी पर लगाम लगाने की व्यवस्था पर चर्चा हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक में मिलेट प्रोडक्ट्स पर जीएसटी घटाने पर चर्चा हो सकती है, साथ ही खुले में बिकने वाले मिलेट प्रोडक्ट्स पर जीएसटी खत्म करने का फैसला भी हो सकता है। जीएसटी परिषद की बैठक में मिलेट प्रोडक्ट्स पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% हो सकता है।
रात की जर्नी में अक्सर यात्रियों को गहरी नींद आ जाती है। नींद आने से उनके गंतव्य स्टेशन के छूटने का भी डर बना रहता है। यदि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो अब रेलवे ने नई सुविधा शुरू कर दी है। इस खास सर्विस का नाम है डेस्टिनेशन अलर्ट वेकअप अलार्म। इस सर्विस के तहत सफर करने वाले मुसाफिर 139 नंबर के इंक्वायरी सिस्टम पर अलर्ट की सुविधा मांग सकते हैं। यह सुविधा रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक मिलेगी। इसका फायदा यह होगा कि इस सर्विस को लेने पर आपको स्टेशन आने से 20 मिनट पहले उठा दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर को अब अनुच्छेद 370 आजादी के मीठे फल का स्वाद मिलने लगा है। कभी आतंकी नर्सरी के नाम से कुख्यात पुलवामा में इस्पात संयंत्र स्थापित होने जा रहा है। निश्चित तौर पर इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे ही, क्षेत्र के सामाजिक व आर्थिक परिदृश्य में भी व्यापक बदलाव आएगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आयोजित किए गए एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण के अंतिम दिन शुक्रवार को बड़ी संख्या में लोग जुटे और शानदार शो का जमकर लुत्फ उठाया। हवा में सब रंग एरोबेटिक्स टीम ने गजब का करतब दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी को इस शो का उद्घाटन किया था। इस मेगा शो में 98 देशों ने हिस्सा भी लिया था। हाल ही में जारी हुए खुदरा महंगाई दर के आंकड़ों में जनवरी में तेजी देखी गई थी। इन आंकड़ों के बाद सरकार के महंगाई कम करने के प्रयास को झटका लगा था। जनवरी में महंगाई दर फिर से बढ़कर आरबीआई के संतोषजनक स्तर के पार 6.52% पर पहुंच गई थी। अब सरकार के लिए एक और परेशान करने वाली खबर सामने आई है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 10 फरवरी को समाप्त सप्ताह के दौरान 8.319 अरब डॉलर घटकर 566.94 अरब डॉलर रह गया है। भारतीय मुद्रा तेजी से इंटरनेशनल करेंसी बनने की तरफ आगे बढ़ रही है। रूस और श्रीलंका के बाद 4 अफ्रीकी देशों समेत कई देश बहुत जल्दी भारत के साथ रुपए में कारोबार करने के लिए तैयार हैं। अभी तक भारत में 17 वोस्ट्रो खाते खोले जा चुके हैं जो दूसरे देशों के साथ साथ रुपए में बिजनेस करने के लिए अनिवार्य हैं। यही नहीं, जर्मनी इजराइल समेत 64 देश भारत के साथ रुपए में ट्रेड सेटलमेंट के लिए बातचीत कर रहे हैं। अगर 30 देशों के साथ भारत का रुपए में कारोबार शुरू हो गया तो फिर रुपया अंतर्राष्ट्रीय करेंसी बन जाएगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पार्टी मुख्यालय में पत्रकार वार्ता में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय उद्यमी जॉर्ज सोरोस ने भारतीय लोकतंत्र प्रक्रिया में गलत मंशा के साथ हस्तक्षेप करने का घोषणा किया है। उनकी यह मंशा स्पष्ट बताती है कि वे भारतीय लोकतंत्र को ध्वस्त कर अपने चुने हुए नुमाइंदों से देश चलाना चाहते हैं। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार संसदीय पैनल ने शुक्रवार को एक बैठक के दौरान चिंता व्यक्त की कि इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट काउंटी में अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर रही है। कई संसद सदस्यों ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर अपनी चिंता भी व्यक्त की है। सांसदों ने कहा है कि सरकार ने ऐसी अदालतों के कामकाज के लिए बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने पर करीब 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लेकिन वे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। भारत में सड़कों के निर्माण को लेकर अमेरिकी रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। इसमें दावा किया गया है कि भारत में 65 साल में जितने नेशनल हाईवे के निर्माण हुए उससे कहीं ज्यादा 2025 में बनकर तैयार हो जाएंगे। यह विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ते भारत के उज्ज्वल भविष्य और भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय रोजाना 38 किलोमीटर सड़क का निर्माण करा रहा है। देश में सड़कों का जाल बिछाने में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अहम भूमिका है। हिंदू तीर्थ यात्रियों की तरह भारतीय रेलवे अब सिखों के प्रमुख धार्मिक स्थलों के लिए भी ट्रेन का संचालन करेगा। भारतीय रेलवे की खानपान सेवा आईआरसीटीसी के जरिए संचालित होने वाली गुरु कृपा ट्रेन 5 अप्रैल को लखनऊ से रवाना होगी। यह ट्रेन तीर्थ यात्रियों को गुरुद्वारे और पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक व बिहार स्थित 5 तख्तों का भ्रमण करवाएगी। इसका पहला पड़ाव केसगढ़ साहिब होगा, इसके बाद वह आनंदपुर साहिब जाएगी। 10 रात व 11 दिन की यात्रा करने वाले इस ट्रेन में कुल 678 यात्री सवार हो सकते हैं। पशुओं की स्वदेशी प्रजातियों को पहचान दिलाने के लिए केंद्र सरकार के स्तर से कवायद जारी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हाल में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि स्वदेशी पशुओं की प्रजातियों को वर्गीकृत किए जाने की जरूरत है, इससे उन्हें अलग पहचान मिलेगी, कृषि क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में देश में देसी नस्लों के पशुओं की पहचान और उनके वर्गीकृत करने के लिए ऐसा भी अभियान शुरू किया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से शनिवार को मुलाकात की और द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी, आर्थिक अवसरों, लोगों के बीच संबंध एवं क्रिकेट समेत कई विषयों पर चर्चा की है। जयशंकर ने ट्वीट किया है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से मिलकर प्रसन्नता हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत शुभकामना संदेश उन्हें दिया। चर्चा के दौरान हमारी रणनीतिक साझेदारी की भावना प्रतिबिंबित हुई। इस संबंध में हाल के घटनाक्रम से प्रधानमंत्री अल्बनीज को अवगत कराया। ब्याज दरों में तेज बढ़ोतरी की आशंका के बीच अमेरिकी डॉलर में फिर से तेजी आई है। फरवरी में दुनिया भर की मुद्राएं डॉलर के मुकाबले जमकर गिरी। हालांकि इस गिरावट में भारतीय रुपया तीसरे स्थान पर रहा, इसमें 1.1% की गिरावट आई है। 20 देशों में से केवल मैक्सिको की मुद्रा में ही बढ़त रही है। भूकंप प्रभावित तुर्की में 10 दिन ऑपरेशन दोस्त के जरिए प्यार और अपनेपन का पैगाम देकर एनडीआरएफ टीम शुक्रवार को लौट आई है।
टीम के 47 सदस्यों समेत डॉग स्क्वाड के रैम्बो हनी का हिंडन हवाई अड्डे पर शानदार स्वागत हुआ है। वही तुर्की ने फिर से धन्यवाद कहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चरणजीत सिंह चन्नी की शुक्रवार को एक फोटो वायरल हो गई। गत दिन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलने के दौरान चन्नी को सम्मानित किया गया। इस दौरान उनकी पगड़ी के ऊपर हिमाचली टोपी पहनाई गई। इसके बाद चन्नी सिख संगठनों के निशाने पर आ गए। वहीं पूरे विवाद में चन्नी ने माफी भी मांग ली है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस बारे में उनकी श्री अकाल तख्त के जथेदार से फोन पर बातचीत भी हो गई है। उन्होंने गलती की माफी मांग ली है। वे शनिवार को अकाली तख्त के जथेदार के पास जाएंगे और लिखित में माफीनामा भी देंगे। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद द्रौपदी मुर्मू आज पहली बार तमिलनाडु के दौरे पर जाएंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सद्गुरु के ईसा फाउंडेशन की ओर से कोयम्बटूर में आयोजित ईसा महाशिवरात्रि कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। इस कार्यक्रम में सद्गुरु का प्रवचन भी होना है। केंद्र सरकार कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठा रही है, मगर भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यू ललित ने शनिवार को इसका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि कॉलेजियम प्रणाली से बेहतर कुछ भी नहीं है। वह न्यायिक नियुक्तियों और सुधारों पर एक संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान पूर्व सीजेआई ललित ने कॉलेजियम सिस्टम के हिस्से के रूप में अपने 2 साल के अनुभव को साझा किया। कैंपेन फॉर ज्यूडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म की ओर से न्यायिक नियुक्तियों और सुधारों पर संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कई ट्वीट कर जॉर्ज सोरोस मामले पर केंद्र सरकार को घेरा और सरकार पर एक 92 साल के बुजुर्ग विदेशी उद्योगपति से डरने का आरोप भी लगाया। चिदम्बरम ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि जॉर्ज सोरोस ने पहले जो कहा या जो अब कहा उनमें से अधिकतर बातों से सहमत नहीं है, लेकिन उनके बयान को लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश बताना बिल्कुल बचकाना बयान है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नजरे आरम, कुशलेंद्र कुमार सिन्हा, महमूद अंसारी, प्रशांत सिंह, एमडी शाकिर हुसैन, संजय चौधरी, अनवर करीम खान, सचिन कुमार, कुश कुमार यादव, शबनम अहमद, अनवर हुसैन भारती, दीपक कुमार, अर्जुन राम और एमडी नौशाद रजा। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, देसी नस्लों के पशुओं को संरक्षण देने के लिए क्या करना चाहिए। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसके लिए इतना ही, धन्यवाद।